मेरे प्रिय भाई बहनों, कई बार हम पढ़ते हैं बाइबल में कि हमारा यहोवा परमेश्वर दयावंत है, अनुग्रहकारी है, वो सब पर अपनी आशीषें बरसाता है, वो प्रेमी है, वो सहनशील है। ये बहुत अच्छे अच्छे गुण हम अपने यहोवा परमेश्वर के बारे में सोचते हैं और इसके बारे में हम बाइबल में पढ़ते भी हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि बाइबल में लिखा हुआ है कि न सिर्फ यहोवा प्रेमी है, दयालु है, सब कुछ अच्छा करने वाला, लेकिन अगर ज़्यादा देर हम पाप करते रहे तो वो न्यायी भी है। वो न्याय करता है और जज भी करता है, और उसका जजमेंट, उसका न्याय फिर बिल्कुल सही हो करके अगर वो कंटिन्यू अपने पाप में गिरता रहे तो उसको नाश भी बहुत बुरी तरह से करता है। जी हाँ, न्यायी भी है, प्रेमी परमेश्वर भी है, दोनों हैं। और वो बहुत देर तक देखता रहता है कि शायद मेरा पुत्र, मेरी पुत्री वापस आ जाएगी और पवित्र जीवन फिर से बिताएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो पनिशमेंट भी देता है और उसका परिणाम आपको और हमको भोगना पड़ेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए पुराने नियम में भी एक ऐसे ही शहर के बारे में हम पढ़ते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत अच्छा शहर था, लेकिन इस शहर ने पाप किया। परमेश्वर चाहता था कि इस शहर को माफ़ किया जाए, उसको पाप से बचाया जाए। और आप सोच रहे होंगे ये शहर का नाम क्या है? इस शहर का नाम है निनवे। जी हाँ, ये असीरिया देश का एक कैपिटल था और उसकी राजधानी थी, और इसका बनाने वाला बहुत भारी एम्परर निमरोद था। निमरोद जब हम पढ़ते हैं स्पेशली उत्पत्ति की किताब में, तो वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति नहीं था। हालांकि वो बलवंत जरूर था, उसमें बड़ी शूरवीरता थी। उसी ने इस सिटी को, इस शहर को बनाया, निमरोद ने निनवे को बनाया। निनवे अपने दिनों में बहुत आगे बढ़ता हुआ शहर था। जैसे आजकल अगर हम उसका एक अंतर करें, तुलना करें, तो जैसे न्यूयॉर्क या बॉम्बे या दिल्ली, ऐसे कुछ बड़े शहरों में उनका नाम आ सकता था। बहुत पैसा था, बड़े बड़े लोग थे और धनाढ्य देश था, लेकिन ये पाप में गिरा। और इसी पाप को दूर करने के लिए योना नबी को भेजा गया। और योना नबी, आप जानते हैं, पहले तो उसने आनाकानी किया, लेकिन जा करके उसने फिर परमेश्वर का वचन निनवे शहर में दिया, और निनवे शहर के लोगों ने पश्चाताप किया और अपने पापों से फिरे। लेकिन उसके 100 साल के बाद फिर वापस वो अपने पाप में चले गए, और यहोवा इसको बर्दाश्त करता रहा। लेकिन अंत में हम देखते हैं कि यहोवा उन पर ज़बरदस्त, बहुत ही भारी परिणाम उन पर सुनाता है, और डिस्ट्रक्शन और सत्यनाश उनका कर देता है, उनको मिटा डालता है। और उसी के बारे में भविष्यवाणी दी गई थी नहूम के द्वारा, जो परमेश्वर का एक भक्त था, एक भविष्यद्वक्ता था। उसने नहूम के विषय, निनवे के विषय में ये भविष्यवाणी दी कि अंत में तेरा ये हाल होगा। उसी के बारे में आज हम देखेंगे कि निनवे का क्या हुआ और परमेश्वर आज हमारे साथ क्या कर सकता है यदि हम चेत में ना आए, वापस ना आए और परमेश्वर की ओर ना फिरें। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, नहूम की किताब और उसका पहला अध्याय, पहले पद से लेकर के 7 पद तक। यहाँ पर यहोवा परमेश्वर के बारे में हम देखते हैं कि उसके क्या गुण हैं, उसके क्या चरित्र चित्रण हैं, और उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, गुण हैं, कैसे हैं। और हमें होशियार रहना चाहिए कि हम पाप में कंटिन्यू ना करते रहें। मैं पढ़ूँगा आपके लिए नहूम उसका पहला अध्याय, पहले पद से 6-7 पद तक। निनवे के विषय में भारी वचन, एलकोशवासी नहूम के दर्शन की पुस्तक। यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। यहोवा बदला लेने वाला और जलजलाहट करने वाला है। यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है।
वह दोषी को किसी भी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। यहोवा बवंडर में और आंधी में होकर चलता है और बादल उसके पाँव की धूलि हैं। उसके घुड़कने से महानद सूख जाते हैं और समुद्र भी निर्जल हो जाता है। बाशान और करमेल कुम्हलाते हैं और लेबनान की हरियाली जाती रहती है। उसके स्पर्श से पहाड़ कांप उठते हैं और पहाड़ियां गल जाती हैं। उसके प्रताप से पृथ्वी वरन सारा संसार अपने सब रहने वाले समेत थरथरा उठता है। उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है? और जब उसका क्रोध भड़कता है तब कौन उसके सामने ठहर सकता है? उसकी जलजलाहट आग की नाई भड़क जाती है और चट्टाने उसकी शक्ति से फट फट कर गिरती है। यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़गढ़ ठहरता और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। यहाँ तक मैं आपके लिए पढ़ा। यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से यहोवा प्रेमी है, सहनशीलता वाला है और दयालु भी है। लेकिन अगर पाप कंटिन्यू होता रहता, लगातार लोग करते रहते हैं, तो उसका फिर बदला लेने वाला भी यहोवा परमेश्वर है, जो हम इस पदों में देखते हैं। अब आइए इस निनवे शहर के बारे में देखें कि ऐसी क्या बात हो गई जिससे कि परमेश्वर इनके इसमें रहने वाले लोगों से बहुत दुखी था, पाप आ गया था और ये पश्चाताप तो किया है योना नबी के समय, लेकिन उसके 100 साल के बाद फिर वो वापस पापी दशा में आ गए। और सुनिए क्या क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं प्रभु परमेश्वर इस सिटी को बताने के लिए, इस शहर को, निनवे को बताने के लिए कि क्या हो। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। विशेष करके पहली बात हम देखते हैं कि ये देवी और देवताओं का गढ़ बन गया, गढ़ी हुई मूर्तियों को आराधना करने का गढ़ बन गया। पहला अध्याय उसका 14 पद, सुनिए क्या क्या लोग वापस चले गए। यहोवा ने तेरे विषय में यह आज्ञा दी है कि आगे को तेरा वंश न चले, मैं तेरे देवालयों में गढ़ली और घड़ी हुई मूर्तों को काट डालूंगा, मैं तेरे लिए कब्र खोदूंगा क्योंकि तू नीच है। एक तो बात देखते हैं, आइडोलेट्री, देवी देवताओं की, गढ़ी हुई मूर्तियों की पूजा, एक सबसे बड़ा पाप हम देखते हैं कोई कर सकता है। उसके बाद और दूसरे पापों के बारे में हम देखते हैं कि शहर में घमंड बहुत हो गया था कि मैं ये हूँ, ये हमारे लोग ये कर सकते हैं। घमंड से जब भर जाता है तो कई प्रकार के नीच कल्पनाएं होती हैं। हम देखते हैं पहला अध्याय 11 पद, तुझ में से एक निकला है जो यहोवा के विरुद्ध कल्पना करता और नीचता की युक्ति बांधता है। जी हाँ, ये वही लोग हैं पहले जो पश्चाताप किए थे, प्रभु को माने थे, अब वो वापस चले गए पाप की दशा में। यहोवा के विरोध में कल्पनाएं करते रहते हैं, उनके यहोवा के प्रति झूठी झूठी बातें गढ़ते रहते हैं। आगे और देखें, इसके बारे में हम देखते हैं 3 अध्याय, नहूम उसका 3 अध्याय और उसके पहले पद में देखिए क्या लिखा हुआ है इस नगरी के बारे में, निनवे के लोगों के बारे में, पाप से भरा। सुनिए नहूम उसका 3 अध्याय 1 पद, हाय उस हत्यारी नगरी पर, वो तो छल और लूट के धन से भरी हुई है, लूट कम नहीं होती। कोड़ों की फटकार और पहाड़ियों की गड़गड़ाहट हो रही है, घोड़े कूदते फांदते और रथ उछलते चलते रहते हैं, सवार चढ़ाई करते रहते, तलवारें और भाले बिजली के समान चमकती, मारे हुओं की बहुतायत और लोथों का बड़ा ढेर हो गया है। जी हाँ, लोथों का ढेर हो गया, मार काट हत्या कई चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती है। एक अब खून से भरी हुई सिटी है, खून से लथपथ ये शहर है, क्योंकि पाप इतना बढ़ गया है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इस शहर के क्या क्या पाप भरे पड़े हैं, परमेश्वर यहोवा इनसे कितना दुखी है और इनको उनके करने का फल उनको देना ही पड़ेगा। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 4 पद, तीसरा पद भी पढ़ता हूँ, सवार चढ़ाई करते, तलवारें और भाले बिजली की नाई चमकती हुई, मारे हुओं की बहुतायत और लोथों का बड़ा ढेर है, मुर्दों की कुछ गिनती नहीं, लोग मुर्दों से ठोकर खा खा कर चलते हैं। यह सब उस अति सुंदर वैश्या और निपुण टोनहीन के छिनाले के बहुतायत के कारण हुआ
जो छिनाने के द्वारा जाति जाति के लोगों को और टोने के द्वारा कुल कुल के लोगों को बेच डालती है। जादू टोना भरा पड़ा है यहाँ पर। अन्य जाति के लोग तरह तरह की अकल्टिज्म की बातें करते हैं। पांच पद, सेनाओं के यहोवा की वाणी है, मैं तेरे विरुद्ध हूँ और तेरे वस्त्र को उठाकर तुझे जाति जाति के सामने नंगी और राज्य राज्य के सामने नीचा दिखाऊंगा। मैं तुझ पर घिरौनी वस्तुएं फेंक कर तुझे तुच्छ कर दूंगा और सबसे तेरी हंसी कराऊंगा, और जितने तुझे देखेंगे सब तेरे पास से भाग कर कहेंगे, निन्वे नाश हो गई, कौन उसके कारण विलाप करे, हम उसके लिए शांति देने वाले कहाँ से ढूंढ कर लाएं। क्या तू अमोन नगरी से बढ़कर है, जो नहरों के बीच बसी थी और उसके चारों ओर जल था और महानद उसके लिए किला और शहरपनाह का काम देता था। कूश और मिस्री उसको अनगिनत बल देते थे, पूत और लूबी तेरे सहायक थे, तो भी उसको बंधवाइल में ले गए और उसके नन्हे बच्चे सड़कों के सिरे पर पटक दिए गए, और उसके प्रतिष्ठित पुरुषों के लिए उन्होंने चिट्ठी डाली और उसके सब रईस बेड़ियों से जकड़ गए। कितनी भयंकर बात देखते हैं मेरे मित्रों यहाँ पर, उस शहर के लिए जो बड़ा अपने आप को बड़ा घमंडी समझता था, लेकिन वो वैसा ही हो गया। तू भी मतवाली होगी, तू घबरा जाएगी, तू भी शत्रु के कारण डर के मारे शरण का स्थान ढूंढेगी। तेरे सब गढ़ ऐसे अंजीर के वृक्षों के समान होंगे जिनमें पहले पक्के अंजीर लगे थे, यदि वे हिलाए जाएं तो फल खाने के लिए मुंह में गिरेंगे। देख, तेरे लोग जो तेरे बीच में हैं वे स्त्रियां बन गए हैं, और तेरे देश में प्रवेश करने के मार्ग तेरे शत्रुओं के लिए बिल्कुल खुले पड़े हैं, और रुकावटें की छड़ें आग की कौर हो गई हैं। घिर जाने के दिनों के लिए पानी भर ले और गढ़ों को अधिक दृढ़ कर ले, कीचड़ ले आकर गारा लताड़ और भट्टे को सजा, वहाँ तू आग में भस्म होगी और तलवार से तू नाश हो जाएगी, वह यलेक नाम टिड्डी के नाई तुझे निगल जाएगी। यद्यपि तू अब अरबे नाम टिड्डी के समान अनगिनत भी हो जाएगी, तेरे व्यापारी आकाश के तारागण से भी अधिक अनगिनत हुए, टिड्डी चट करके उड़ जाती है। तेरे मुकुटधारी लोग टिड्डियों के समान और तेरे सेनापति टिड्डियों के दलों सरीखे ठहरेंगे, जो जाड़े के दिन में बाड़ों पर टिकते हैं परंतु जब सूर्य दिखाई देता है तब भाग जाते हैं और कोई नहीं जानता कि वे कहाँ गए। हे अश्शूर के राजा, तेरे ठहराए हुए चरवाहे ऊँघते हैं, तेरे शूरवीर भारी नींद में पड़े हैं, तेरी प्रजा पहाड़ों पर तितर बितर हो गई है और उसको कोई खट्टा नहीं करता। तेरा घाव न भर सकेगा, तेरा रोग असाध्य है, जितने तेरा समाचार सुनेंगे वे तेरे ऊपर ताली बजाएंगे, क्योंकि ऐसा कौन है जिस पर तेरी लगातार दुष्टता का प्रभाव ना पड़ा हो। कितना भयंकर यहाँ पर दृष्टांत है उस निन्वे सिटी के लिए, निन्वे शहर के लिए, जो पाप करते हुए आगे बढ़ती चली जाती है। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा मैं इसे नाश कर दूंगा। और आपको पता है भविष्यवाणी के अनुसार ऐसा हुआ भी। इसके भविष्यवाणी के 50 साल के बाद जब नहूम ने भविष्यवाणी की निन्वे शहर के लिए, तो 50 साल के बाद वैसा ही हुआ। आज निन्वे क्या है? एक भटका हुआ अकेला किला पड़ा हुआ है, ना वहाँ लोग रहते हैं, बिल्कुल सुनसान भटकी हुई जगह बनी हुई है और वहाँ पक्षी भी नहीं ठहरते हैं। जी हाँ, ये वही शहर है जो अपने समय में एक ज़बरदस्त शहर हुआ करता था। इसके लोग धनाढ्य होते थे और लेकिन ये पाप में इतने बढ़ गए, परमेश्वर ने उनको माफ़ तो किया लेकिन फिर भी वो वापस पाप में करते रहे। अरे वो सोचे कि परमेश्वर कहाँ हमारा न्याय करेगा, अरे हम तो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हम तो गढ़ी हुई वस्तुओं को, हम तो टोनो जादू से हमारा काम चलता है, हाथ दिखाना, कौड़ियों से खेलना, इधर उधर चीज़ों की पूजा आरती उतारना, ये सब वो घमंड के कारण ऐसा करते थे। और एक दिन हम देखते हैं परमेश्वर ने उनको तहस नहस कर दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या यही स्थिति आजकल हमारे चारों तरफ नहीं दिखाई देती है? लोग परमेश्वर का वचन नहीं सुनते हैं, लोग इधर उधर जाते हैं,
यहाँ नहाते हैं, वहाँ नहाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी आरती उतारते, बड़े 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 लोगों के पास जाते हैं भविष्य पूछने के लिए, और तरह तरह की चीज़ें अपने शरीर में बांधते हैं, और सच्चे परमेश्वर की ओर बिल्कुल नहीं मुड़ते। क्या ये आजकल का हमारा समाज नहीं है? हमारा देश, पूरा दुनिया, पूरी दुनिया इसमें समा गई है। बहुत ही कम लोग हैं जो सच्चे परमेश्वर को जानते हैं। और अंत के दिनों में क्या होगा? लोग यही बोलेंगे, कहाँ हैं तो यीशु मसीह के आने की प्रॉमिस? आप लोग बोलते हो कि यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला, कहाँ, कोई नहीं, ये तो फालतू की बात है। और वो परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं देते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा दूसरा पत्रस उसका तीसरा अध्याय 4 पद, दूसरा पत्रस उसका तीसरा अध्याय और उसका 4 पद। यहाँ पर हम पढ़ते हैं 3 और 4 पद में आपके लिए पढ़ूंगा। और यह पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी उपहास करने वाले आएंगे और अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से पूर्वज सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर ये भूल गए हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा से आकाश और प्राचीन काल से विद्यमान है, और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर रहती है, और बाद में ये पृथ्वी डूब भी गई थी। ऐसे लोग होते हैं हमारे कुछ अब सो कॉल मसीह भाई बहन भी, ये बोलते कहाँ है यीशु मसीह का आना, नहीं है, ये तो फालतू की बात है, परमेश्वर का वचन सही नहीं है। और ऐसा ही बिल्कुल निनवे के शहर के लोग भी सोचते थे, जी हाँ। लेकिन परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ है, जैसे मैंने कहा कि जो परमेश्वर बोलता है वो करता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो 19वीं शताब्दी का बड़ा भारी साइंटिस्ट था, उसने कहा कि जो परमेश्वर बोलता है वो करके दिखाता है। परमेश्वर डज नॉट प्ले विथ डाइस, वो चांस के साथ नहीं खेलता है, वो जैसा वो बोलता है वैसे करता है। हाँ, हमारा परमेश्वर दयालु है, हाँ हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, हाँ हमारा परमेश्वर प्रेमी है, लेकिन अगर पाप कंटिन्यू चलता रहे हमारे जीवनों में, एक समय आएगा कि वो हमें नष्ट कर देगा। फिर हम सोचेंगे, अरे ये क्या हो गया, एकदम से मेरे जीवन में ये क्या समस्या आ गई। तो मेरे भाई बहनों, यदि हम पाप में पड़े रहें, अपनी ही मर्जी की करें और परमेश्वर के वचन की ओर न फिरें, तो परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है कि जैसे निनवे के समय हुआ वैसे हमारे साथ भी हो सकता है। पूरी रीति से निनवे को नष्ट कर दिया गया, एक ऐसा बताया गया, वो खूनी शहर है, क्रूरता से भरा हुआ शहर है, घमंडी शहर है, देवी देवताओं की पूजा करने वाला शहर है, गढ़ी हुई वस्तुओं की पूजा करने, टोना जादू करने वाले हैं, हत्या और लाए झूठ बात, अन्याय, ये सब उस शहर में होता था। परमेश्वर ने उसको नाश कर दिया। जब भी अगर आपको टाइम मिले तो आप ज़रूर पढ़िए नहुम की किताब, और इसको और अधिक रीति से आप जान सकेंगे कि परमेश्वर जो बोलता है वो कहता है। अंत में मैं आपके लिए पढ़ूंगा दूसरा पत्र उसका तीसरा अध्याय, अभी जो हमने पढ़ा उसका 8 से 10 पद, यीशु मसीह के बारे में है, यहाँ लिखा हुआ है, दूसरा पत्र 3:8-10। हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1,000 वर्ष के बराबर हैं और 1,000 वर्ष एक दिन के बराबर। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वर यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। आपको पता है निनवे के लोगों को मन फिराव का अवसर मिला था जब योना नबी ने परमेश्वर के वचन को सुनाया, और उन्होंने मन भी फिराया, ये सही बात है, लेकिन उसके 100 साल के बाद जैसे के तैसे वापस पाप में चले गए। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे साथ? 10वें पद में लिखा हुआ है, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ खड़ा होगा, उस दिन आकाश बड़े शोर के साथ जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उसके सब कामों का न्याय होगा। ये परमेश्वर का वचन है, और हमें इससे चेतावनी ले रहा है कि अगर हम फिर से न फिरें अपने पापों से, तो हमारे सामने कहीं निनवे की कहानी फिर से रिपीट न हो जाए। आइए
हम अगर पाप में पड़े हैं अपने पापों से पश्चाताप करें और परमेश्वर की ओर फिरें, परमेश्वर आपकी इसमें अगुवाई करें।